दोस्तों आज हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं, और ये इम्पोर्टेंट बात है हमारे पिछले वीडियो को लेकर जो कि था बरेली के हॉन्टेड जंगल से रिलेटेड वीडियो। हमने इस वीडियो में बताया था एक परिवार की कहानी जो कि मुंबई का रहने वाला था और अपने होम टाउन यानी कि इन शॉर्ट अपने गांव बरेली जाता है। अब ये गांव वर्ड सुन के बहुत सारे लोगों को बुरा लगा, गुस्सा आया कि बरेली एक गांव नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये एक्चुअली नहीं, मुंबई वालों की एक लैंग्वेज, एक बोलने का तरीका होता है। हाँ। जैसे अगर मेरा होम टाउन भोपाल है, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ और अभी मुंबई में रहता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं अपने गाँव जा रहा हूँ। हाँ। मैं अपने गांव भोपाल जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भोपाल एक गांव है। भोपाल तो राजधानी, भोपाल तो इतनी बड़ी जगह है। एक्चुअली यहाँ पे जो भी रहता है उनकी एक लैंग्वेज में आ जाता है। अगर आप कहीं का आपका कोई बर्थ प्लेस है, आपका कोई होम टाउन है, तो मतलब यहाँ की लैंग्वेज के हिसाब से आपका वो गाँव है। इससे ये साबित नहीं हो रहा है कि बरेली एक छोटा सा गांव है। वो बात करने का स्टाइल है, बात करने का एक लैंग्वेज है, एक लहजा, एक तरीका है, कह सकते हैं उसको कि होम टाउन को गांव कहा जाता है। और बहुत सारे लोगों को लगा था कि मैं जंगल की बात कर रहा हूँ तो लोग बोल रहे थे कि बरेली में तो कोई ऐसा जंगल है नहीं, बरेली में 8 बजे कोई नहीं सोता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बरेली के अंदर एक गांव की ये कहानी है। मैंने ऐसा बोला था, मैंने ये नहीं बोला था कि बरेली में जंगल है और बरेली में रात के 8 बजे सो जाते हैं। तो बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को दिल पे मत लो और थोड़ा ध्यान से सुनो। अगर आप लोगों को कोई चीज बुरी लग रही है तो एक बार रिपीट करके सुन लो कि हमने सचमुच में वही बोले हैं, बुरा लगने वाली बात बोले हैं, या फिर हमारे कहने का कुछ और मतलब था, या फिर हमने कुछ और बोले। खैर ये तो हो गई बहुत सारी भाषणबाजी, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल दिल दहला देने वाले अलग टाइप के वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डरावना और अलग टाइप का है, क्योंकि ये जो घटना घटी है ये बिल्कुल मतलब विश्वास करने लायक घटना नहीं थी, अविश्वसनीय घटना घट गई। दरअसल ये कहानी है झारखंड के जमशेदपुर शहर की। ये पूरी की पूरी कहानी हमें मुस्तकवीन ने इंस्टाग्राम में लिख भेजा है। जब उसकी उम्र तकरीबन 15 साल की रही होगी, उसके और उसके परिवार वालों ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। केवल उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया बल्कि पूरे इलाके ने और यहाँ तक कि पूरे शहर ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। काफ़ी सारे लोगों को इस घटना के बारे में पता था। खैर अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि घटना थी क्या। आज से ठीक मतलब 10 साल पहले के आसपास की बात है। 10 साल पहले के आसपास ये लोग एक नए घर में जाते हैं, मतलब केन और उसके परिवार वाले एक नए घर में रहने के लिए जाते हैं। इस नए घर में उन लोगों को ना बड़ा ही अजीब सा लगना शुरू हो गया था पहले ही दिन से। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस घर में इतनी ज़्यादा निगेटिविटी है तो है क्यों। दरअसल ये जो घर था ये एक बंगलो टाइप का घर था, मतलब एक बिल्डिंग नहीं थी, बंगलो टाइप का घर था, इंडिपेंडेंट घर था, फ्लोर मतलब भैया अपार्टमेंट नहीं था, मतलब नीचे वाले फ्लोर में ये लोग रहने के लिए गए थे, किराए से लिए हुए थे घर, और जस्ट ऊपर वाला घर जो कि हमेशा बंद सा ही दिखता था, लेकिन इतना इन्हें पता था कि इस ऊपर वाले घर में कोई ना कोई रहता है, कोई ना कोई जरूर था, क्योंकि वहाँ पे हमेशा किसी ना किसी की मौजूदगी फील होती थी। लेकिन कौन रहता है, कैसे रहता है, कितने लोग रहते हैं, इसके बारे में इनको कभी पता नहीं चल पाया था, क्योंकि ऊपर रहने वाले लोगों को इन लोगों ने देखे ही नहीं थे। रात के समय जरूर चलने की आवाज़ आती थी, दौड़ने की आवाज़ आती थी, बात करने की, खुसफुसाने की आवाज़ें जब सुनसान माहौल होता था तो आती ही आती थी। अब एक दिन की बात है, घर के सारे लोग लगभग 12:45 बजे के आसपास गहरी नींद में सोने के लिए चले गए। क्या होता है, लगभग 12:15 बजे के आसपास, 12:15 बजे के आसपास ऊपर वाले घर से अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हुई। ये अजीबोगरीब आवाजें लड़ाई में बदल गई, लड़ाई के बाद मारपीट में बदल गई। यह आवाज बहुत ही ज्यादा लाउड होने लगी। इतना समझ में आ रहा था कि एक आदमी है एक औरत को बुरी तरह से मार रहा है, वो दर्द में चिल्ला रही है, करहा रही है, किसी से मदद मांगने की कोशिश कर रही है, सामान भी उठा के पटकने की आवाज आने लगी, यहाँ तक कि इंसानों को भी गिरने की आवाज आने लगी, मतलब उठा के कोई पटक भी रहा था किसी को ऊपर। ये लोग घबराए, सबकी नींद खुल गई। ये लोग एक टॉर्च उठाए, पहले तो नीचे से आवाज लगाए कि कौन है, चुप हो जाओ भाई, क्या हो गया है। लेकिन जब ये लड़ाई की आवाजें कम नहीं हुई तो सबकी सब घर के जितने लोग थे ऊपर वाले कमरे की तरफ जाने के लिए टॉर्च निकाल के आगे बढ़ गए। जैसे ये लोग सीढ़ी चढ़ के उनके घर के सामने खड़े हुए ही है कि अचानक से ये जो लड़ाई झगड़े की आवाज थी वो तुरंत बंद हो गई। ये कैसे हुआ, इतनी लाउडली लड़ाई चल रही थी, एक औरत रो रही थी, भाग रही थी, गिर रही थी, सामान तोड़ फोड़ रहे थे, वो अचानक से इतनी ज्यादा शांत कैसे हो गए। ये लोगों ने बहुत नॉक किए, दरवाजा खोले, बहुत नॉक किए, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं और ना ही किसी ने दरवाजा खोला।
अभी इन्हें रहते हुए ज़्यादा दिन नहीं, मुश्किल से 10-12 दिन हुए थे, इसलिए ये लोग ज़्यादा पड़ोसियों को जानते भी नहीं थे, इसलिए इन्होंने मतलब किसी से मदद मांगना ठीक नहीं समझा। आखिरकार इन लोगों ने क्या किए कि बोले अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई है, लड़ाई वड़ाई करके कोई मरमरा तो नहीं गया, एक काम करते हैं जो लॉक खुलने वाला होता है ना उसको बुला के लेके आते। इन लोगों ने ना जाने क्यों पुलिस को फ़ोन करना बेहतर नहीं समझा। इन लोगों ने जो लॉक खोलने वाला चाबी बनाने वाला होता है उसको फ़ोन किए, वो आया और उसने चाबी से खोला और क्या पाए कि अंदर का घर तो पूरी तरह से खंडर है, मतलब कि यहाँ पर काफ़ी समय से कोई रह नहीं रहा ऐसा लग रहा था। तो जब कोई रह नहीं रहा था तो लड़ाई करने की आवाज़, मारपीट करने की आवाज़, सामान पटकने की आवाज़ किसकी आ रही थी, ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। इनको ना अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, आवाज़ तो गारंटी आ रही थी। इन्होंने सोचा हो सकता है कि कोई ना कोई यहाँ पर छिपके बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ से एक बड़ी ही अजीबोगरीब बदबू आ रही थी। ये बदबू बहुत ही गंदी थी अजीब होने के साथ साथ। ये सब की सब धीरे धीरे टॉर्च लिए आगे बढ़ जाते क्योंकि ऊपर वाले घर में लाइट भी नहीं थी। अब इधर उधर देख रहे हैं क्या पाते हैं, किचन में जैसे ही पहुंचे किचन में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जो पूरी तरह से सड़ी हुई है और उसी से स्मेल आ रही है। एक औरत की डेड बॉडी थी, यही कोई 28-29 साल की उम्र रही होगी। ये बहुत घबरा गए, चीख के भागे पहले जितने लोग थे सबकी सब। फिर पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस वाले यहाँ पहुँचे तो पता चला कि ये डेड बॉडी पिछले 35 दिन से यहाँ पर बंद पड़ी है, 35 दिन से। अब हैरान होने वाली बात ये थी कि 35 दिन से किसी की डेड बॉडी इस तरह से बंद पड़ी थी तो उसकी स्मेल बाहर क्यों नहीं जा रही थी, ये कांड हुआ कैसे, 35 दिन पहले कोई मरा कैसे, यानी इनके आने से लगभग 25 दिन पहले कौन कैसे मर गया, मतलब इनको कोई अंदाजा नहीं मिल पा रहा था, ना ही पुलिस वाले को समझ पा रहे थे। जब आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो पड़ोसियों ने क्या बताया कि अगर आप 35 दिन यानी लगभग एक डेढ़ महीने पहले की बात कर रहे हैं तो एक डेढ़ महीने पहले इस औरत का जो पति था उसको हमने देखे थे, वो सामान लेके बाहर जा रहा था। एक बुजुर्ग अंकल ने बोले कि मैंने उससे पूछा था कि कहाँ जा रहे हो, तो उस आदमी ने बोला कि मैं दरअसल जा रहा हूँ किसी काम से अपनी पत्नी को लेने जो कि मायके गई हुई है, तो कुछ दिनों में लौट जाऊँगा। उसके बाद वो लौटा नहीं, ना ही वो दिखाई दिया और ना ही उसकी पत्नी। आज आप ये सब कुछ बता रहे हैं, पुलिस वाले तुरंत समझ गए कि ये कारनामा उस आदमी का। उसी ने अपनी पत्नी को ठिकाने लगाया और वहाँ से भाग गया, जो किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी कि पत्नी उसकी उसी घर में अभी भी मौजूद है। अब कुछ ही दिनों बाद उसके पति की भी लाश एक अजीबोगरीब जगह से संदिग्ध रूप में पाई गई, मतलब उसकी भी मृत्यु हो गई थी। वो एक जंगली इलाके से उसकी लाश मिली, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी जंगली जानवर ने बड़ी बेरहमी से मार कर आधा खा लिया हो, ऐसी उसकी हालत थी। अगर दोनों मर चुके थे तो पिछली रात ऐसी आवाज़ इनको कैसे आ रही थी, यही बात का डर इन्हें सताए जा रहा था। इसी डर के साथ अब क्या ही कर लेते, पुलिस वालों को पता चल गया, सबको पता चल गया, लेकिन इन लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया था वो केवल ही नहीं पता था। ऐसे करते करते कुछ दिन बीतते हैं। अब जो कोई भी इंसान इनके घर के सामने से गुजर के जाता था ना, वो ये कंप्लेंट ज़रूर करता था कि आपके घर से ना जलने की स्मेल आती है बड़ी बेहुदा सी, क्योंकि घर तो एक ही था, ऊपर वाला फ्लोर में वो लोग थे जो मर गए थे और नीचे वाले फ्लोर में ये लोग रहते थे। अब सारी चीज़ इनके ऊपर आ रही है, कई बार पड़ोसी लोग भी खटखटा के बोलते थे क्योंकि सबको मालूम था ऊपर तो कोई रहता नहीं है, कुछ जलने की स्मेल आ रही तो नीचे से ही आ रही होगी, लेकिन नीचे से स्मेल नहीं आती थी ऊपर से ही आती थी। सब लोग टोकना शुरू कर दिए। फिर कुछ लोगों ने बोले कि आपके घर के सामने से कई बार गुजरते ना तो चक्कर वक्कर आने लगते, पूरी एनर्जी से एकदम वीक सी लगने लगती है। ये लोग घबराने लगे कि ये सब मैटर है क्या। इन लोगों ने जैसे तैसे करके हिम्मत बांधे रखे, वहाँ पर रह रहे थे, सोचे कि यार ये शायद लोगों की एक गलत फहमी भी हो सकती है, लोगों ने इतना इसके बारे में सुने हैं जाने हैं, इसलिए कंफ्यूजन भी लोगों के माइंड में हो सकता है। लोगों कभी कभी ऐसा लोग फील करने लगते हैं कि यहाँ पे कोई मरा है तो वहाँ पे शायद उसकी आत्मा भटक रही होगी, उसकी वजह से अपने आप आपके माइंड में नेगेटिविटी आने लगता है। क्योंकि ये चीज इनके साथ नहीं हो रही थी ना, लोगों के साथ ही हो रही थी, सोचते थे अगर हमारे घर की बात है तो हमको क्यों एक्सपीरियंस नहीं होती। लेकिन वो कहते हैं ना कि दिया तले अंधेरा, जहाँ दिया होता है उसके नीचे अंधेरा होता है और बाकी तरफ रोशनी, तो ऐसे ही कुछ इसका एग्जांपल बैठता है। लेकिन खैर ऐसे करते करते कुछ दिन बीते और उस घर को उसके मकान मालिक ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया कि रेंट पे चले जाए, बिक जाए ऊपर वाला फ्लैट मतलब, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं था, कोई नहीं। उसने रेट कम करते करते बहुत कम में आ गया। चाबी इन लोगों को ही देखे रखा था कि कोई भी आए तो भैया उसको चाबी दे देना और वो खुद जाके देख लेगा, आप मत जाना। लेकिन सब लोगों को इसके बारे में पता चल जाता था और कोई रहना पसंद ही नहीं करता था और लोगों को निगेटिविटी फील हो जाती थी। अब एक बार की बात है, इतना कम रेंट था तो वहाँ पे कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट पहुँचे और रेंट बहुत कम मिला, चार दोस्त थे
तो इन लोगों ने सोचा ले लेते हैं, ऐसा भूत भात थोड़ी होता है, कुछ थोड़ी होता है, हमारा क्या ही बिगड़ जाएगा, हम तो बैचलर है, ऐसे करके वो लोग उसको ले लेते हैं सस्ते के लालच। बैचलर लोग कहाँ मानते हैं इस चीज़ें, वो स्टडी कर रहे होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल अलग होती है, तो उनको लगता है कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें कुछ होती ही नहीं है। हाँ, अब ऐसे करते करते उनके कुछ दिन भी कटते हैं, उन्हें कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन एक दिन की बात है, लोग बाहर से खाना खाते थे, घर पे एक माचिस तक नहीं रखते थे, मतलब इस तरह के बैचलर थे। एक दिन की बात है, जो डिलीवरी वाला था, खाने की डिलीवरी वाला, इनके घर पे आए ही नहीं खाना देने के लिए। इन लोगों ने बोले खाने देने वाला क्यों नहीं आया, उसको फोन लगा रहे तो मोबाइल स्विच ऑफ, ये टेंशन में आए, गुस्से में आ गए। अगले दिन उसके होटल में जाके पहुंच गए, बोले कि भाई आप खाना देने क्यों नहीं आए, हम आपको मंथली पैसे दे रहे हैं, आपने खाना क्यों नहीं दिए, और कुछ रीज़न है तो आप हमको फ़ोन करके बताओ ना कि आप खाना देना नहीं चाहते। तो जो डिलीवरी वाला लड़का है ना, वो क्या बताता है कि मैं आपके घर तक आया था, नीचे वाले फ्लोर से जब मैं सीढ़ी चढ़ी रहा था तो मुझे वहाँ पे एक औरत दिखाई दी, वो सीढ़ियों पे खड़ी हुई थी एकदम अंधेरे वाली जगह में, और मुझे बड़ी गंदी तरीके से बोली कि तुझे जला के मार डालूंगी, तू यहाँ से चले जा, आना मत, और जो आ गया सब जल के मरेंगे यहाँ पे, उसने बड़ी गंदी आवाज में बोली, जिसको देखकर हम दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए। डिलीवरी वाले भी ज्यादा उम्र के नहीं थे, यही कोई 16-17 साल के रहे होंगे, ये दोनों बहुत ज्यादा घबरा कर वहां से भागे और बोले हम तो आपके पास अब नहीं आएंगे, आप चाहो तो ओनर से बात कर लो, मतलब जो भी होटल के मैनेजर होंगे, जो भी आदमी होगा, आप उनसे बात कर लो, हम आपके घर नहीं आ सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा निगेटिविटी हमें लगी और ऐसा लग रहा था कि वो तो औरत हमें जान से मार डालेगी, तुम्हारी जान ज्यादा प्यारी है हमको। मतलब इन शॉर्ट उन्होंने बोला कि आपके मतलब हमारी तरफ से कोई और लड़का खाना देने के लिए आएगा, लेकिन हम आएंगे हम नहीं आएंगे। तो अब क्या हुआ, इन लोगों ने सोचा कि यार हमारे घर पे तो ऐसी कोई औरत है नहीं, नीचे वाले लोग तो बड़े सीधे साधे हैं, और जैसा ये हुलिया बता रहे हैं बूढ़ी औरत जिसका आधा चेहरा जला हुआ है, उन्होंने बोला ऐसा तो कोई है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। अब उसी रात की बात है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इनके घर पे एक माचिस तक नहीं थी, ये सामने वाले कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे तीनों चारों दोस्त, अंदर वाले कमरे से कुछ जलने की स्मेल आई, हल्का हल्का धुआं भी महसूस हुआ सबको एक साथ, ये लोग घबरा और भागते हुए अंदर वाले कमरे में पहुंचे, इनका जो बेड लगा हुआ था, मतलब जमीन पे गद्दा बिछा के सोते थे, उसके ऊपर आग लग चुकी थी, और ये आग धीरे धीरे करके पर्दे वर्दे में पकड़ने ही वाली थी, ये एकदम तेजी से गए, पूरा बकेट किस्मत से पानी भरा हुआ था बकेट में, 2-3 बकेट में, इन लोगों ने उठा उठा के धड़ 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 उसके ऊपर डाले और ये आग बुझी। अब टेंशन वाली बात ये थी कि घर पे एक माचिस तक नहीं थी, लाइटर तक नहीं था, तो ये आग लगी कैसे, ना ही कोई शॉर्ट सर्किट का नामो निशान, क्योंकि अंदर वाले कमरे में लाइट पूरी तरह से बंद थी, आग कैसे लगी, ये बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए सब लोग सोए। अब इनमें से एक बंदा था रवि नाम का, जिसको पूरी रात नींद नहीं आई, रवि ने सोचा पता करना पड़ेगा कि इसके बारे में लोग मुंह क्यों बनाते हैं, इस घर के नाम को सुन के ऐसी उल्टी सीधी बात क्यों, और इस तरह के कांड क्यों हो रहे हैं, हमको अक्सर उन लोगों को भी अक्सर ना उस घर से जलने की स्मेल आने लगी थी, क्यों ऐसा हो रहा है। तो मुस्तकवीन से ये पूछा अगले दिन जाके, क्या भाई तुमको कुछ पता है क्या, तुम तो यहाँ पे रह रहे हो, क्योंकि हम उम्र मिल गया था ना वो लड़का, उससे पूछे तो उसने बताया कि एक्चुअली ये बात ये है कि कुछ समय पहले यहाँ पे ऐसी ऐसी औरत की डेड बॉडी मिली, वो मरी हुई थी, वो जली हुई थी, उसने पूरा मैटर बताया। फिर इनको समझ में आया भाई इतना बड़ा केस चल रहा है यहाँ पे, यहाँ से निकलो, सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट वहाँ से निकल गए। तब से लेकर आज तक वो घर पूरी तरह से अबंडेंड है, और मस्तुकेन के परिवार ने भी उस घर को छोड़ दिया है, वो पड़ोस में ही एक दूसरे और अच्छे डिसेंट घर में अब रहने लगे हैं, अब शायद उन लोगों का खुद का घर हो गया है, अपने ही घर में रहते हैं, अब रेंट पे नहीं रहते हैं, लेकिन उस घर की तरफ आज भी कोई देखता है ना, तो आज भी उसके मन में भारीपन आ जाता है, और वो ऐसा लगने लगता है किसी भी इंसान को कि वो सारे फ्लैशेस दिखाई दे रहे हैं कि इस घर में किस तरह की चीजें हुई है। मतलब अगर उनकी किस्मत अच्छी नहीं होती तो शायद वो लोग भी नहीं बच पाते, वो लड़के लोग, वो तो टाइम रहते उनको पता चल गया तो वो लोग वहाँ से निकल गए, और सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ पे अभी कोई नहीं रह रहा है। सही बात है, वहाँ पे मतलब कैसे कोई रह सकता है, अगर आप लोग रहना चाहते हो तो बताना कमेंट बॉक्स में कि वहाँ पे जाके रह सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो बताओ, मुस्तकबीन जरूर अगर देख रहा होगा वीडियो को तो एड्रेस दे देगा, हम उसके एड्रेस को पिन कर देंगे, जाके रह लो, इतनी आपके अंदर हिम्मत है तो रह के फिर उस घर में रहो, रेंट वेंट पे ले लो, वैसे सस्ते मिल जाएगा, चलो फ्री में मिल जाए। खैर, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा, और अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी कहानी पूरी दुनिया को सुनाना चाहते हैं तो लिख भीजिए, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से जाहिर हो जाएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।